देखिए, मैं पिछला क्लास में यह जिक्र किया था भारत इज माई होम में। पहला चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। उनका जन्म कब हुआ था? 1897। वे कब डेथ किए थे? 1969। क्लियर है? वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ लिए थे? 1967। ये क्लियर है? राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? इतना हमको लग रहा है कि छूटने वाला नहीं है, नहीं ना? और देखिए, आप लोग भी, आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं? सब लोग किए हैं? नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। लाइक को ठोके हैं, चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। छोड़िए, यहाँ देखिए, पिछला क्लास में बता रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, वो बार बार जिक्र किए हैं कि मैं शपथ लेता हूं अपने देश के संस्कृति को बचाए रखने का। जो चाहे संस्कृति जहां से भी लाया गया हो, कहीं से भी आए हो, किसी के माध्यम से आया हो, उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। एकता अखंडता की बात कर रहे थे और आगे ये कह रहे थे कि मैं इस देश में रहता हूँ, ये भारत जो है, ये पूरा है, जो भारत, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के सब जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। और आगे ये कहा जा रहा है पैराग्राफ 6 से कि द फैमिली इज बिग, जो परिवार है, कैसा ये परिवार है? बड़ा परिवार है एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रैदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। और वे जो ये परिवार जो है तेजी से क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, यानी असुविधाजनक रूप से, जितना रफ्तार से ये जनसंख्या, जिस परिवार का डेवलपमेंट हो रहा, बढ़ते विकास हो रहा है, यानी संख्या में वो नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये परिवार क्या हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। आगे कहें, वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इच इन हिज ऑन वे। यानी वे कह रहे हैं कि हम सबको, हम में से सब लोगों को क्या करना होगा, अपने अपने ढंग से भाग लेना होगा, उदारता पूर्वक किसके निर्माण में जी, यानी हमारे जो राष्ट्र है, राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण में हमें क्या करना होगा, हमें नहीं, हमें सबको, पूरे भारतवासी को, पूरा जो लोग हैं, जो हमारे देशवासी हैं, सबको भाग लेना होगा इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के नया जीवन के लिए, इस राष्ट्र के जीवन के नया निर्माण में हम लोगों को क्या करना है, भाग लेना है, सबको भाग लेना होगा। आप चाहेंगे कि हम राष्ट्र का निर्माण एक व्यक्ति खाली राष्ट्रपति बने वो कर सकते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री बने वो कर सकते हैं? नहीं। इसमें पूरी पब्लिक का, देशवासियों का साथ होना अनिवार्य है। चाहे कोई भी योजना, चाहे कोई भी कार्य किया जाए, उसमें जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक राष्ट्र का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता है। आगे कहा जा रहा है कि फोर सीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे सामने इतना बड़ा टास्क है, इतना बड़ा कार्य है कि, और उस कार्य का इतना डिमांड हो रहा है, इतना मांग है, दैट कि नो वन कैन अफोर्ड सीट बैक, कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता है। हमारे पास इतना काम है, यानी कहने को हमारे राष्ट्र के लिए, हित के लिए काम करना हो तो इतना काम है कि कोई इंसान जो है, हमारे देशवासी, कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता है। यदि वो आराम से बैठ गया एंड जस्ट वॉच, आप देखिएगा कि लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, हमारे देश में निराशा का महामारी फैल जाएगा। जैसे ही आराम से बैठ गए, अभी देखिए ना लॉकडाउन में, एक 10 दिन अच्छा लगा, 15 दिन अच्छा लगा, उसके बाद जैसे ही डेट बढ़ते गया,
21 दिन 25 दिन ये बढ़ते गया, हम लोग क्या होते गए, निराश होते गए। सबसे ज्यादा प्रभाव तो इसका पढ़ाई को पड़ा था। जो लड़का रेगुलर पढ़ने वाला वो डाइवर्ट होते चला गया, नहीं होते क्या जी? ये का निर्माण जो इंतजार करने में ये क्या हो गया, लड़का जो है डाइवर्ट होते चला गया है। तो वही हम लोग उबने लगे कि आखिर काम क्या करें। ये सारे वही बोले कि अगर सब लोग बैठ जाए आराम करने के बारे में सोच जाए तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एक महामारी फैल जाएगा, निराशा का महामारी। कोई उम्मीद ही नहीं रहेगा हमारे देश में, कोई आशा ही नहीं होगा कि कुछ किया जाए, कोई आगे कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं रह पाएगा। इसलिए वर्क जरूरी है। सीधा कहा जा रहा है कि द सिचुएशन डिमांड्स, जो परिस्थितियां हैं मांग करती है, ऑफर्स हमसे काम की मांग करती है, वर्क एंड मोर वर्क और अधिक से अधिक कामों का मांग करती है। हमारी परिस्थिति जो है क्या करती है, अधिक से अधिक काम का डिमांड करती है, मांग करती है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क ये एंड सॉलिड एंड स्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ये बताया गया कि जो डिमांड करते रहती है, तरह की ये परिस्थितियां जो है मांग करती है, हमसे काम की मांग करती है, अधिक से अधिक काम की मांग करती है। वो काम चाहे शांति पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए और सॉलिड एंड स्टेड ठोस ही कीजिए लेकिन लगातार करते रहिए। किसके लिए जी, करेंगे सीधा कि होल मेटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों के संस्कृति यानी हमारे लोगों के पूरा संस्कृति और भौतिक पुनर्निर्माण के लिए अगर लगातार हम लोग क्या करेंगे, काम करना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। थोड़ा सा ही कीजिए लेकिन बरकरार रखिए। ये नहीं कोई भी काम करें एक दिन खूब दिन रात कर लिए और फिर 8 दिन आराम कर लिए, आप उस काम को बल्कि 2 दिन नहीं करिए लेकिन ये कंटिन्यूटी बनाए रखिए। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू aspects, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। यहाँ कह रहा है कि दिस वर्क यह जो काम है जैसे कि मेरा विचार यह जो काम है इसके दो पहलू होते हैं। काम के कितने पहलू होते हैं, दो। यह ऑब्जेक्टिव आएगा कि वर्क के कितने, दो होते हैं। पहला वर्क ऑन वन सेल्फ, एक खुद का काम करना, खुद के लिए करना। जो खुद का काम करता है वो इंडिविजुअल वर्क होता है, क्या होता है, इंडिविजुअल। और जो सामाजिक कार्य करता है उसको सोशल वर्क भी कहा जाता है। और कहता है एंड वर्क फॉर सोसाइटी, और ये क्या होता है, समाज के लिए काम करना होता है, जो समाज के आसपास काम करते हैं। ये काम को दो पहलुओं में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत काम और एक सामाजिक काम के रूप में बांटा गया है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों जो है आपस में कैसा कार्य है जी, फलदायक कार्य के पहलू है। इससे दोनों को ही फायदा है। हम चाहेंगे कि व्यक्तिगत काम कर ले और उसमें समाज का योगदान नहीं रहे तो कभी संभव नहीं है, और कहें कि सामाजिक कार्य कर ले और उसमें व्यक्तिगत लोगों का योगदान नहीं रहे तो भी संभव नहीं है। दोनों आपस में अगर रहे तो दोनों क्या होता है, फलदायक सिद्ध होता है, यानी लाभदायक सिद्ध होता है। करेक्ट, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टू वार्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। यहाँ कहा जा रहा है कि जो काम है इसको अगर हम लोग आंतरिक इच्छा से अगर स्वयं करते रहें तो ये नैतिकता का विकास संभव है। एकदम सीधा कहाँ लेकर चल जाएगा, नैतिक का विकास होगा। और एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोर्स डिसिप्लिन, और ये जो काम करने वाला व्यक्ति जो होगा वो खुद व्यक्तिगत होगा लेकिन वो क्या होगा, स्वयं ही ग्रहण करेगा किस चीज को, अनुशासन में आ जाएगा। एंड विच ए लॉन कैन रेंडर, और वो अकेला ही मदद कर देगा, यानी बदले क्या कर ले, बदले में देगा, प्रदान करेगा That development possible, किस चीज का, यानी उस विकास के संभावनाओं को उत्पन्न खुद करने लगेगा। जैसे अकेला भी अगर कोई काम करता है, जैसे मान लीजिए क्या हम अगर आप पर्सनल व्यक्तिगत काम करते हैं तो उसमें विकास नहीं होता है, उससे समाज का विकास नहीं होता है, होता है। ये नहीं कि व्यक्तिगत हम काम करते हैं तो समाज का विकास नहीं होता, लोगों का विकास नहीं होता है, और एक दूसरे के बिना ही तो संभव ही नहीं है।
एक दूसरे के बिना ये संभव कभी नहीं हो सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी यहां कह रहा है कि जो परिणाम स्वरूप है वो क्या है, एक नैतिक व्यक्तित्व है। क्या है जी? नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन निग्रेट, यदि हम उस परिणाम स्वरूप को नकार देते हैं, द इन प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। द इन प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, इसे जो है हम कहेंगे जीवित नहीं रख सकते हैं अगर ऐसा है, तो इट सेल्फ, ये स्वयं ही विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग, बिना प्रयास किए बिना ढूंढे, इट सेल्फ ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, ये खुद किसके समीप दिखने लगेगा? सीधा समाज के नजदीक जाने लगेगा। आप जिस व्यक्ति को नकारिए, अगर मान लीजिए मैं किसी काम को नकारता था, मुझे कहीं काम नहीं मिला, अगर कोई काम नहीं दिया व्यक्तिगत रूप से, तो क्या मैं किसी से जुड़ूंगा? नहीं, मैं अगला दूसरे पर जाऊंगा, तीसरे पर जाऊंगा, खुद ब खुद मुझे समाज से जुड़ना पड़ जाएगा। और कह रहा है कि विच प्रिविलेज टू सर, यही तो विशेषकार के साथ सेवा करता है टू बेटर, और यही अच्छा होता है, जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, यही जीवन का क्या होता है, अधिक न्यायपूर्ण और सुंदर होता है। पर है कि जो काम कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि वो नहीं करे और आगे बढ़े, अगर आप छोड़ देते हैं तो वो समाज से जुड़ेगा और वही जीवन का सबसे अधिक न्यायपूर्ण और सुंदर तरीका रहेगा। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, जो कह रहे हैं व्यक्तिगत जो है काम है, व्यक्तिगत काम कैन नॉट ग्रो, वो बढ़ नहीं सकता है इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कोरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस। यहाँ कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत जो काम है वो कभी भी अपूर्ण रूप से बढ़ नहीं सकता है, किसके बिना जी, यानी कहने का मतलब समाज के अस्तित्व के बिना। जब तक समाज का सामूहिक साथ नहीं होगा, समाज का जो अनुरूप हम लोग नहीं करेंगे, उसके बिना हमारा व्यक्तिगत काम भी नहीं चल पाएगा। कहेगा ये कैसे होता है, सपोज मान लीजिए आपको व्यक्तिगत कार्य में, मान लीजिए एक तुम दुकान खोलता है कि मुझे दुकान चलाना है, क्या उसमें समाज के लोग नहीं जाएंगे? तो कोई खरीदारी करने अगर नहीं जाता है तो क्या आपका दुकान चल जाएगा? नहीं। उस व्यक्तिगत काम, कोई भी व्यक्तिगत काम हो, वो जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाने के लिए, चलो मैं व्यक्तिगत पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या आप लोग नहीं आते तो मैं पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। तो नहीं पढ़ा पाता तो क्या मेरा ये चलता? नहीं चलता। तो यही कहने का मकसद है, कोई भी व्यक्तिगत कार्य बिना समाज के समूह के चलने वाला नहीं है, संभव ही नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टली एंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। यानी कहते हैं कि हाँ चले हम क्या करें, संकल्प लेते हैं पूरे दिल से कार्यरत करने के लिए, किन पहलुओं में, काम के जो ये दोनों पहलू है, इन पहलुओं में काम करने के लिए हम लोग क्या करें, संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य करना चाहिए। यही नहीं कि हम लोग खाली व्यक्तिगत करें सामाजिक नहीं, ये नहीं कि सामाजिक करें और व्यक्तिगत नहीं, काम जब करना चाहिए तो हम संकल्प लेकर करें तो दोनों काम करना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक। कहेगा कि बिना व्यक्तिगत सामाजिक काम नहीं हो सकता, बिना सामाजिक व्यक्तिगत काम नहीं हो सकता है। आप सोचिए सामाजिक काम खाली हम कर लें तो आपके घर के जो है रोजी रोटी नहीं चलने वाला है, ठीक है, और व्यक्तिगत कार्य खाली करिएगा तो आपका समाज में कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, कोई कुछ मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि जब मतलब तब रखता है जब आप व्यक्तिगत कार्य करते हुए समाज से जुड़े रहेंगे तब। इसलिए हम लोग संकल्प लें क्या काम करने के लिए, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कार्यों को करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। This dual effort will give the life of our state. ये दोनों प्रयास जो है क्या करता है, हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का जीवन देता है। क्या देता है? जीवन को प्रदान करता है, देता है आ स्पेशल फ्लेवर, वो भी क्या देता है, एक विशेष प्रकार का सुगंध प्राप्त करता है, विशेष प्रकार का पहचान प्रदान करता है। सुगंध कहने का मतलब स्मेल की बात नहीं है, सुगंध सुंघने वाली बात नहीं है, वहाँ कहने का विशेष अलग पहचान बनेगा, अलग आपके राष्ट्र का चमक होगी, अलग पहचान अलग दुनिया में बनाए रखिएगा। कब? जब इस प्रकार के कार्य करिएगा तब। For the state of us will not be just an organization of power. ये जो हमारा state है, ये खाली नहीं कह सकते कि शक्ति का ही संगठन है, ये केवल शक्ति का संगठन नहीं होगा, बल्कि a moral organization, बल्कि ये क्या होगा, इसका संगठन होगा,
ये नैतिक संगठनों का। हम सोचते हैं कि हमारा जो स्टेट हुआ चाहे हमारा देश हुआ, अगर इसको मैं बात करूं ये केवल ताकत का संगठन है, तो नहीं, ये जो ताकत का ही संगठन नहीं है बल्कि ये किसका है, एक नैतिक संगठन है। किसका संगठन है? नैतिक संगठन है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है राष्ट्रीय स्वभाव, राष्ट्रीय धरोहर के एक हिस्सा है। ये जो संगठन है नैतिक संगठन, ये क्या है, राष्ट्रीय स्वभाव या राष्ट्रीय धरोहर का क्या है, एक हिस्सा है। जो ये आया किस है जी, ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, यानी कहने का मतलब कि वे नेता जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन से भाग में भाग लिए थे, उन नेताओं से ये सारे धरोहर आया हुआ है। उसी में से महात्मा गांधी जो है से कहते हैं, उसे महात्मा गांधी कहे हैं कि द पावर जो है शुड बी यूज, पावर ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए ओनली फॉर मॉरल पर्पस, किस उद्देश्य से, नैतिक उद्देश्य से करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी कहें द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क। ये जो शांति का जो ताकत है उस चीज को हम लोग को क्या करना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। किस चीज में, काम के लिए अपने आप को शांति पूर्वक समर्पण करना चाहिए। किसी भी काम को करना हो तो उसको ऐसा ताकत बनाए, ये नहीं कि लड़ाई कर करके हम लोग, नहीं, उसके हम शांत होकर अगर काम में अगर पूरे अपने आप को झोंक देते हैं तो जो कार्य होता है हम लोग को और आगे तक जाता है। यानी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहना चाह रहे हैं कि आई हैव फुल फेथ, मुझे पूरा विश्वास है कि इन माई पीपल, अपने लोगों में, दैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट। वे क्या करेंगे, हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के लोग जो है जो आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे जी, आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। इसके लिए फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, ये दोनों पहलुओं को कार्य करने के लिए अपने जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा उसको क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इट शैल बी माय प्रिविलेज, ये मेरा भी विशेष अधिकार है, ये हम लोगों का विशेष अधिकार बनता है कि टू कंट्रीब्यूट, योगदान करने का, माय शेयर अपने हिस्सा का, सब लोगों का अधिकार होता है कि अपने जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या करें, राष्ट्र के लिए योगदान करें। और यही जो होगा क्या होगा, दिस इंटेंटिंग इंटरप्राइज, यही तो मनोहक उद्यम होगा, यही तो मनोहक कार्य होगा। कब, जब हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग करके के राष्ट्र का सहयोग करने के बारे में सोचे, तो यही तो हमारा क्या होगा, एक मनमोहक उद्यम होगा। मनमोहक उद्यम कहने का मतलब है मनमोहक कार्य होगा, और ये सबके लिए है। ठीक है, इस तरह से यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक तो बनता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और अगला वीडियो के लिए मेरे चैनल से